1972 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में कुछ लोगों ने एक ऐसा भयानक काम किया जिसकी वजह से कई मछलियों और मरीन लाइफ की जाने गई। दरअसल उनका प्लान एक आर्टिफिशियल चट्टान बनाना था और कोरल ग्रोथ को बढ़ाकर एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना था। इसीलिए उन्होंने लगभग 20 लाख टायर समुद्र के किनारे फेंकना शुरू कर दिए, ये सोचकर कि इससे मरीन लाइफ बढ़ जाएंगी। पर हुआ इसका उल्टा, क्योंकि जब टायर्स को समुद्र के अंदर फेंका गया तो इससे बचे कुछ कोरल्स भी तबाह हो गए। ये टायर समुद्र के अंदर पानी के साथ फ्लो होते और अपने रास्ते में आने वाले सारे कोरल्स को तबाह कर देते। समय के साथ टायर्स डिकम्पोज होने के कारण इनमें से केमिकल रिलीज होता गया, जिसकी वजह से कई सारी मछलियां मारी गईं। टायर्स के अंदर मौजूद इन स्टील वायर्स की वजह से कई मछलियां जख्मी हुईं। आखिरकार 2007 से 2009 तक इन टायर्स को निकालने की कोशिश की गई, जिसमें $2 मिलियन खर्च हुए, लेकिन सिर्फ 70,000 टायर्स ही निकाले जा सके। इसके बाद इन टायर्स को कभी नहीं निकाला गया और आज भी 5 लाख से भी ज्यादा टायर्स फ्लोरिडा के समुद्री कोस्ट पर मौजूद हैं।